या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़ापह कला ईश्वर की ऐसी देन है जो किसी न किसी रूप में मिलती तो सबको है, पर यह कलाकार पर निर्भर करता है कि वो अपनी साधना से ईश्वर के लिए इस गुण को कितना निखार पाता है। जिस तरह कुम्हार कच्ची मिट्टी को नए रूप देता है, उसी प्रकार साधक अपनी लगन और साधना से अपनी कला में जीवन भर लेता है। इस साधना कार्यक्रम में ऐसे ही संगीतज्ञों को प्रस्तुत किया जाएगा जिन्होंने अपने संगीत की साधना से पूरे संसार में अपनी एक पहचान बनाई है और कला की ऊंचाइयों को छुआ है। जिस प्रकार हर मंगल कार्य में शहनाई का योगदान रहता है, उसी प्रकार इस संगीतमय कार्यक्रम की बिस्मिल्लाह हम शहनाई के स्वरों से ही करते हैं। ये शहनाई है। पहले इसका नाम शाहनय था, बाद में शहनाई कहा जाने लगा। यदि मैं आपसे कहूं कि शहनाई का एक नाम और भी है तो आप चौंकेंगे नहीं, बल्कि मेरे साथ आपकी जुबान पर भी वही नाम आ जाएगा, हम सबके प्रिय उस्ताद बिस्मिल्ला खां साहब। जाके दर्शन करूं बनारस में जाके। है बहुत अदब की चीज है, इसमें कोई कलाम नहीं लेकिन हम ये देखते हैं कि इतनी बड़ी कलाकार खुद तशरीफ ले आई है। आपके सामने तो बहुत छोटी हूं। बहुत पसंद आया, साहब केवल आपका आशीर्वाद लेने आई हूं। और ये हमसे नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों का ये कौल है जी, आशीर्वाद भी काम की चीज है। जी ये जितने भी कलाकार है अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते आए हैं, उनमें क्या बात पैदा हुई है, लिहाजा मैं बहुत खुश हूँ आज मेरे गरीब खाने पर आप तशरीफ। अरे नहीं नहीं खादा, ये जगह जहाँ हम आज बैठे हुए हैं बड़ी हिस्टोरिकल है, इतिहास होगा इसमें। हाँ साहब, आपने शुरू से यहीं पर रियाज किया, यहीं पर कुछ बताइए ना इसके बारे में। मतलब ये है कि ये जगह जो थी तो आज की नहीं, जमाने दराज की है जी। ये मकान जो था इसमें हमारे बुजुर्ग कहते कि रहमत खां साहब रहते जी,
तो रहमत खान साहब इस तरफ रहते थे हमारे। रहमत खान साहब यानी कि आपके गवैये थे वो। वो बड़े पुराने मशहूर लोग थे, तो वो उसमें रहा करते थे, हमारे नाना बगल में रहा करते थे। तो उस जमाने में ये सब खपड़ा पड़ा हुआ था, कच्चा मोहल्ला था बिल्कुल, तो यहीं रहते थे। उसके बाद से हमारे नाना इसको खरीद लिया जमीन, के हमारे मामू आए, इसी में रियाज शुरू हुआ। और होते होते नतीजा हुआ कि इसको हमने थोड़ा सा बनवा लिया और जगह वही है, जगह नहीं बदली। रियाज करने की जगह जो थी हमारी बारादी मंदिर। अच्छा खान साहब, वैसे तो ये साज जो है शादी ब्याहों में बजता है, तो आप किस प्रकार से इसको क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बना पाए? हमारे बुजुर्गों ने इसको इस ढंग से लिया है कि जब रियाज करके आगे आए मैदान में, तो एक ने सुना, दो ने सुना, चार ने सुना कि यार शहनाई ऐसी बजती है कि उसमें तो सब भरा हुआ है, उसमें तो गायकी भी है, उसमें तंत भी है, उसमें नृत्य भी है। जी कितनी पुरानी बात कर रहे हैं आप ये खान साहब? ये शायद हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। अच्छा, उस वक्त हमारे मामा जब रियाज कर रहे थे उस वक्त ये चीज आई, बाबा ने बताया। बाबा स्वामी जी महाराज थे, उनके शागिर्द थे हमारे मामू। मामा जी का नाम अली बख्श खान। अच्छा, वो तो हमारे उस्ताद, हमारे गुरु, हमारे मामू ये कॉन्फ्रेंसों में जाते, उस जमाने में की कॉन्फ्रेंस, उसमें लॉट स्पीकर भी नहीं होता था, और प्रोग्राम करते थे। तो गश शुरू किया उन्होंने, हम छोटा सा आदमी लेकर उनके बगल में बैठे, अब यूं जो चल के चले था टैपिंग होना शुरू हो गया। अरे छोटा सा लड़का, मोच भी नहीं आएगा इस तरीके से। तो कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक तमगा चांदी का हमको मिला, तो मामू ने कहा मियां देखो तुमने सीढ़ी पर कदम रख दिया, अब पीछे मत हटो। बुजुर्गों ने सोचा भाई वाह 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 वाह, हम तो तारीफ करें। सितार में एक नहीं थे कई थे उस जमाने में, सरोद में एक नहीं थे कई थे, गवैयों में भरे हुए थे, तबले में एक नहीं कितने थे, हर साज में देखा कर यार। और वो चाहते थे कि हम अकेले आवे, दूसरा ना आए। तो कहा, तो उन्होंने यही साज उठा लिया। रसब खजाना तो भरा ही था, खाली रियाज करना था।
खान साहब आपसे एक बहुत जरूरी प्रश्न करूं, मेरे ख्याल में उसका जवाब सभी लोग जानना चाहेंगे। बांसुरी और शहनाई दोनों ही फूंक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी कि ये तो मालूम है कि बांसुरी जो है वो बांस से बनती है। शहनाई के बारे में आप कुछ बताइए और दोनों में अंतर क्या है? शहनाई भी वही लकड़ी की बनी हुई है लेकिन उसमें रीड होता है और बांसुरी में रीड नहीं होता, उसमें खाली एक सुर है जो फूंक के बजाते हैं। क्या मतलब? अब ये हुआ क्या? हमारी शहनाई क्या करी? आपने इतनी अच्छी धुने और इतनी खूबसूरत ख्याल सुनाया, लेकिन ये जो कजरी आपने बजाई तो बिल्कुल ऐसा मन कर रहा था कि डांस करो इस पर। ये क्या मतलब, इसके विषय में कुछ बताइए ना खासा। ये चीज़ ऐसी है कि कजरी बनारस की मशहूर है और एक नहीं है, नहीं मालूम कितनी तर्ज़ें हैं। उसमें से ये तर्ज जो है तो हमारे बचपन की है, जो आप शायद अब के लोगों में बहुत कम गाते बजाते होंगे, हमारा ख्याल है। लेकिन ये बहुत पुरानी है और आज तबीयत में आएगी भाई उसको भी रिकॉर्ड दे देना चाहिए, इसलिए कि वो सब सुनने में नहीं आती है। वो बनारस की चीज और उसके ढंग भी ऐसे हैं कि अगर उसको थोड़ी देर सुने तो वाकई दिल चाहेगा कि जरा सा नृत्य नाच इस पर आ जाए। जी, जी। उसकी तर्जें होती है ऐसी कुछ, तो ये सब है बनारस का खेल। लेकिन ये सब जगह वो है कि यहाँ अगर नियम धर्म से जी कुछ पूजा करने के बाद कुछ श्लोक पढ़े तो कुछ दिन के बाद मिलेगा यहाँ पर। मिलेगा जरूर। अच्छा खान साहब, वैसे एक बात बड़ी अजीब और गरीब है कि बनारस से ही सारे उच्च कोटि के कलाकार यहीं हुए, आप रविशंकर जी और सामता प्रसाद जी, कंटे महाराज, किशन महाराज जी, कंटे रामदास जी, बहुत से लोग गुजर गए यहाँ की सरजमीन पर। यहाँ की धरती पर कलाकार खुद ब खुद पैदा होता है जी। तो जैसे आप कह रहे थे कि घाट पर भी बड़ा वो ले लेते थे, नाव ले लेते थे, उस पर सब, अरे सब गाना कौन होता कौन बताइए ना। अरे सिद्धेश्वरी देवी थी, रसूलन बाई थी, काशी थी जी। और बहुत से लोग अलग 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 उनका होता बजरा, बड़ा वो होता। अच्छा, वो पूरा बजरा लेकर गंगादारे बधैया बाजे, गंगादारे हे गंगादारे गंगादारे गंगादारे। मजा आता था। वो
तो बड़ा सुंदर लगता होगा। झुरमुट के साथ सब गा रहे हैं, साज बज रहा है, तबला बज रहा है, झुकड़ बज रही है, और जहाँ जहाँ पर उसका कनार का बाज है वो भी निकल। हाँ हाँ वाह भैया वाह, तारीफ कैसी हो रही, वाह भैया वाह, जिया यार जिया। कलाकार क्या चाहता है? कलाकार यही चाहता है मेल जोल। हाँ, बिल्कुल खुश तबाही होना चाहिए, दिल के अंदर कोई तरह की कोई बात नहीं पैदा हो तो वैसे ही सुर में भी मजा आता है। बिल्कुल सही बात। यानी एक होता है ना दो किस्म का गाना बजाना जी, एक होता है राग रंग और एक होता है राग जंग। तो राग जंग से हम भागते हैं, राग जंग नहीं होना चाहिए, हाँ, राग रंग होना चाहिए। अच्छा खान साहब, ये सारे आपके परिवार के जितने सदस्य सब आप लोग एक साथ ही रहते हैं? एक साथ। अच्छा, मकान अलग अलग है लेकिन ये नहीं है, सब अपना सब है बनारस, सब अपने बनारस में अपने मकान में सब रहना सहना, और प्रोग्राम के वक्त सब इकट्ठा हो जाते हैं। संगीत सिखाता है सब एक हो, एक जगह आ जाओ सब, इसलिए सारे गामा पाधा निशा सा निधा पामा गरे सा, इसी में सब हैं जी। वो जात पात मजहब कुछ नहीं, सब इसी में हैं। तो खान साहब, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि ये संगीत की तरक्की में है कि संगीत थोड़ा सा ढल रहा है अब, क्योंकि क्योंकि इतनी सारी चिंताएं आजकल सबके सामने हो गई हैं। संगीत तरक्की में है, इसमें कोई कलाम नहीं है। जो चीज पूछेगा वस्ताई अंतरा संचाई भोग आरोही अमरोही वादी संवादी सम ताल सब बताएंगे वो जी। असर कहाँ पैदा होगा, सवाल तो ये है। हम लोग तो इसके तलाश में है ना, कि असर पैदा हो, जो तासीर कहते हैं जिसको, शक्ति जी। हमारे एक दफे नहीं, 20 बार यही रटते जाए तो 21वीं बार जाके कुछ और बात पैदा हो।